हज़रत अली ने कहा कि वो हिंदुस्तान बड़ा पाकीज़ा मकाम है, जन्नत की खुशबू आती है हिंदुस्तान से। अफगानिस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान आकर या कहीं और बहुत से मुल्कों के मिलकर इंडिया पर हमला कर देंगे और जंग होगी, वो ग़ज़वे हिंद होगा। मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा, एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलकर लड़ाई करेगी। जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्ने कासिम था। विभिन्न इस्लामिक प्रीचर्स और इस्लामिक स्कॉलर्स का ग़ज़वाए हिंद को लेकर उनका कहना है कि ग़ज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट क्या है। जंगे दो तरह की होती थी, जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद खुद शरीक होते थे वो ग़ज़वा होता था, जिसमें वो नहीं जाते थे उसको कहते थे सरिया, ग़ज़वा नहीं। हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी जंग है या होगी जिसके अंदर वो शरीक हुए थे या होंगे? हदीसों का एक कलेक्शन है, उसका नाम है नसाए। तो फिर अगर ये जिस्मानी जंग नहीं है तो जंग भी जिस्मानी नहीं होगी। वो हज़रत अली ने कहा कि वो हिंदुस्तान बड़ा पाकीज़ा मकाम है, एक रिवायत और पहुँचती है उन तक के जन्नत की खुशबू आती है हिंदुस्तान से। हमारे यहाँ वो लॉबी जो वो इसको इस हैसियत से पेश करते हैं कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान के मुसलमान आकर या कहीं और बहुत से मुल्कों के मिलकर इंडिया पर हमला कर देंगे और जंग होगी, वो ग़ज़वे हिंद होगा। ये भी तो हो सकता है कि ये हमला करें और उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक इधर से हों रूहानी, ये भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। जब भारत विश्वगुरु बनेगा, मैं तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, पक्का है कि बनेगा, तो हम यहाँ से निकलकर जो सारी दुनिया पर वो जंग हथियारों की जंग नहीं होगी, वो विचारों की जंग होगी, जो सत्य होगा वो ग़ज़वे हिंद होगा। कहा जाता है कि ग़ज़वाए हिंद का जिक्र केवल हदीसों में पाया जाता है, जबकि कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन हदीस ग्रंथ में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। हदीस और सीरत जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी है के स्कॉलर के अनुसार ग़ज़वा वह युद्ध है जिसमें पैगंबर इस्लाम खुद शामिल हों, और अगर वह खुद शामिल ना हों और अपने साथियों में से किसी को दुश्मन का मुकाबला करने के लिए भेजते हैं तो वह सरिया यानी सराया कहलाता है। कई प्रमुख इस्लामिक विद्वानों द्वारा इन ग़ज़वाए हिंद की हदीसों को विश्वास के काबिल नहीं माना जाता है। ग़ज़वाए हिंद के बारे में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसाबतानि मिन उम्मती अहरजहुम अल्लाहु मिनन नार। मेरी उम्मत के दो ग्रोह ऐसे हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा, एक वो जमात जो हिंदुस्तान पे हमला करेगी और एक वो जमात जो हजरत ईसा के साथ मिलकर लड़ाई करेगी। अब जो हिंदुस्तान का जिसका हदीस में तस्करा आता है वो उसमें पाकिस्तान भी दाखिल है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंदुस्तान था वो क्या था? पाकिस्तान भी। तो जो पहला फरीक जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया मोहम्मद इब्ने कासिम था, वो तो 100% इस हदीस में दाखिल है, क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने हिंद पे हमला किया था जिसमें पाकिस्तान भी था, कि पाकिस्तान पे भी अटैक किया था उन्होंने, तो वो अटैक करके आए और उसके साथ मुजाहिदीन आए और पूरे हिंदुस्तान पे आहिस्ता आहिस्ता उनकी औलादें काबिज हो गई। अब उलमा की आरा है, इज्तिहादी आरा है, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, जब भी हिंदुस्तान पर हमला होगा तो वो उसमें दाखिल है, बाज़ कहते हैं उसमें दाखिल नहीं है, तो हमारे पास कोई इस बारे में सरी हदीस मौजूद नहीं है। और वैसे पाकिस्तान का फ्यूचर में हिंदुस्तान पे अटैक का कोई प्रोग्राम है नहीं, दोनों एटमी ताकत हैं, एटम बम खेलना, अंडों से खेल सकते हो और तुम मुझे अंडा मारो मैं तुम्हें अंडा मारता हूँ। अब जो जंगे होती है वो सर्द जंग होती है, मुआशी लिहाज से अंदर खोखला कर दो, अंदर तहरीकें खड़ी करो कि ये टूट जाए। तो अब हिंदुस्तान पर पाकिस्तान हमला करके हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले ऐसा नहीं हो सकता, असबाब की दुनिया में ये ना पाकिस्तान करेगा और ना इंडिया ऐसी हमाकत करेगा कि पाकिस्तान पर हमला करे। अब ये हो रहा है कि एक दूसरे की जड़ें खोखले करने में, अगर इंडिया में अकल हुई तो वो पाकिस्तान से बना के रखेगा, ये दोस्ती कर लो इनसे, झुक जाओ इनके सामने। मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों के अनुसार विश्व को दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला दारुल इस्लाम और दूसरा है दारुल हर्ब, वह देश जहां पर मुस्लिम रहते हैं और वहां पर मुस्लिम शासन लागू होता है तो उस देश या क्षेत्र को दारुल इस्लाम कहा जाता है। वहीं दूसरा ऐसा देश या क्षेत्र जहाँ मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन वहाँ गैर मुस्लिम सिद्धांत लागू होते हैं और मुस्लिम सिद्धांत लागू नहीं होते हैं तो ऐसा देश दारुल हर्ब कहा जाता है। कुछ समय पहले भारत में एक व्यक्ति ने भारत में संचालित संस्था दारुल उलम देवबंद में एक RTI डाली जिसमें ग़ज़वाए हिंद के बारे में जानकारी मांगी गई थी। तब दारुल उलम देवबंद ने कहा कि उनकी धार्मिक किताबों में ग़ज़वाए हिंद को लेकर एक पूरा चैप्टर है। इस फतवे में उन्होंने ये भी कहा कि पैगम्बर मोहम्मद के करीबी रहे हज़रत अबू हुरैरा ने ग़ज़वाए हिंद को बाकायदा जायज़ ठहराया।
जबकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि कुरान में इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि गजवाए हिंद का उल्लेख केवल हदीसों में मिलता है। वीडियो में साझा किए गए तथ्यों को लेकर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।